अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है ना, ये बना तो सबाइना ही रही है, लेकिन इसका वॉइस ओवर फ़िलहाल मैं कर रही हूँ। सबाइना आपसे मिलेगी कुछ देर बाद, तो यहाँ पे आप सबको पता लग ही क्या होगा कि ये है व्लॉग किस दिन का, बारात का। तो अब यहाँ पे हम लोग हो रहे हैं रेडी। ये मेरा है मस्कारा और ये किट आई थी मुझे चाइना से गिफ्ट, और इसके अलावा ये मेरा थोड़ा सा सामान, थोड़ा सा ही बहुत है। और ये किट ना मेरी शादी के टाइम है, ये इतना गिरती है, टूट टूट के इसका बुरा हाल हो गया, लेकिन इसके कलर्स बहुत अच्छे। तो किसके पास ऐसी किट है? आज सोए मम की शादी है, जल्दी से शादी में आओ। ये तो कभी जो भी कह रहा है। अच्छा बोले ओए गुच्छा हो रहा है, भाग जो यहाँ से, भाग जो सिद्धू बना, हमने बहुत कुछ अगर हमारे सिद्धू और फिल्मू हमें बात करो, हमें बहुत कुछ आएगा। अस्सलाम वालेकुम टू एन अदर व्लॉग। आज मैं न्यू ड्रेस पहनने वाली हूँ और साथ में न्यू शू, न्यू जूते। ये देखिए दिखाऊँ आपको, ये देखिए मेरे न्यू जूते, वो भी इन्ने सारे चमकीली वाले। इसके साथ बैंड भी लगा हुआ है जो कि बहुत ही इजी और अच्छा है। और ना एक बात भी बताऊं, ये देखिए मेरी मेहंदी और ने पॉलिश भी, और ये भी देखिए मेहंदी ने पॉलिश भी। बाइना ने हाई नेक पहन ली है ना, तो अब आ गई है सबाइना की बारी तैयार होने की। और ये है सबाइना का आज का ड्रेस। अभी मैं ये पहनने वाली हूँ। और ये जल्दी जल्दी पहनो, गिरने वाली है चूड़ियाँ। बाइना चूड़ियाँ मुझे भी ऐसे तैयार करना है बाइना वाला। ठीक है मम्मी, ठीक है। जब फिलजू और सबाइना सो रही थी, मैंने बेस लगानी थी, तो इसलिए मैं सेन में बैठी मेकअप कर रही थी। जब ये जाग गई, मैं रूम में आ गई। सबाइना मैडम अपना बाकी मेकअप खुद करेंगे। अभी मैं खुद ही मेकअप करूंगी, अभी आप देख लो। वेयर इज लिपस्टिक? यस, मैं तो देखना चाहूंगी आपकी। तो सबाइना आपको ये मेकअप करना किसने सिखाया? मुझे खुद ही। खुद ही? हाँ जी। इतनी प्यारी लिपस्टिक लगा लेती हो कैसे? शीशे में और कैमरे में देखकर। आपने तो बड़ी प्यारी लिपस्टिक लगाई थी, गुड। थैंक यू। वाओ, आपको लिपस्टिक लगाने आती है? इतनी प्यारी लगाई है, गुड जॉब। ये बहुत प्यारी लग रही है, अब इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अब आप अपनी चूड़ियां पहने जल्दी से, इसको सेट करें और ये पहने। ओके, अभी तो सबाइना मैडम तैयार हो गई हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें इनको एक दफ़ा और तैयार करना पड़ गया था। तो यहाँ पर अपनी चूड़ियाँ पहन के रेडी हो गई है, और इसके मामू का रूम डिकोर हो रहा है, डिकोर वाले आए हुए हैं। और अब सबाइना आपको दिखाएगी गाड़ी। ये है हमारी डेकोरेटिव गाड़ी जो कि ब्लैक कलर की है, इसमें लगे हुए रेड फूल, वाइट फूल और सारा कुछ लगा हुआ है गाड़ी पे, टायर पे सारा कुछ लगा हुआ है, आगे भी लगा हुआ है ये और वे सारा कुछ, और ऊपर भी ये है वाइट कलर का, और ये खुला हुआ, और ये भी, और ये भी। ये व्लॉग अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब लव इट शेयर। मैंने बाबा आ चुकी थी मम्मी, सबसे पहले हमने मम्मी को तैयार किया, फिर इनका स्टॉलर सेट किया, और इसके बाद सबाइना मैडम कह रही थी मुझे भी देखे, मैं भी रेडी हूँ। और इसने अपना क्या हाल बना लिया है इतनी देर में। और इसके बाद बाइना को एक दफ़ा और फ्रेश किया, फिर इसकी कंघी करेंगे, और अब आगे हैं सब कजन्स, फूफो वगैरह।
तो आज तो ऐसा हुआ है कि सारों ने मेहरून और रेड इसी तरह पहना हुआ था। ये था मेरी छोटी पप्पो का ड्रेस और ये मेरी उनसे बड़ी वाली पप्पो का ड्रेस। और ये बेचारी ने कहा था हम सुबह 12 बजे आ जाएंगे और फिर निकल जाएंगे, तो ये 12 बजे से भी पहले पहुंची हुई थी। खैर अब हम आ गए हैं ब्राइड के रूम में। मैंने इनको कहा था कि ना पत्तियाँ जो हैं इस बेड शीट पर बिखेर देना अच्छी लगती है, लेकिन ना जब वो बैठना पड़ा ना पिक्चर्स के लिए तो ये इतनी ठंडी थी उफ कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पर यहाँ पे हमने जो है ना मिरर पे भी थोड़े से फूलों की सेटिंग करवाई थी कि अच्छी लगेगी। ये वाली तो चले अच्छी लग रही थी, लेकिन बेड पे कभी भी फूल नहीं रखने चाहिए, एक तो सर्दी में ठंडे और ऊपर से कपड़े भी ख़राब। तो खैर ये था मेरा ड्रेस। और मेरे ड्रेस की ये कहानी हुई थी कि इसकी शर्ट नहीं थी प्रेस, हस्बैंड आए थे घर लेके गए थे, प्रेस करके ला के दिया था क्योंकि लाइट नहीं थी। हम ये घर UPS था तो एक छोटी लाइट तो चल रही थी, तो लेकिन जो बड़ी लाइट थी जो मेन इस्त्री वाली और बड़ी लाइट्स वो तो ऑफ थी। खैर जैसे तैसे हो गया और दुपट्टा सेटिंग भी शुक्र है अल्लाह का कि अच्छी हो गई। और सारा मैं तकरीबन सुबह 9 बजे से तैयार हो रही थी और 12 बजे तक मैं हो ही गई, बच्चों को भी रेडी कर दिया। फिल्जा ने तो बहुत शोर डाला हुआ था। यहाँ अनायु भी इतनी सुस्त थी, ने अपनी अम्मा के बाल खींच रही थी, अम्मा ने नो कहा तो बेचारी बहुत ही सुस्त होगी। उसने कहा मुझे नो क्यों कहा। और ये है हमारी कार जिस पे हम जाएंगे बारात लेकर, और इसके अलावा बाकी सारी गाड़ियाँ पीछे उससे पीछे खड़ी हुई थी। हेलो जारा, अभी देखे इधर आओ जारा, फिर कोई कहानी है इसके अंदर। अच्छा तो फाइनली हम लोग भी आ चुके हैं बाहर और ये है सबैना की मामा का भी लुक। और बाइना और सबके साथ हमारी मैचिंग थी, किसी ने रेड पहना था, किसी ने ब्राउन पहना था, किसी ने क्या पहना था, तो सारे तकरीबन सेम थे। तो यहाँ पे सबैना मैडम भी आ गई, फिर अब्दुल्ला भी आ गया, इत्ता पाला शबी भी। हेलो, तो अब्दुल्ला हो गया रेडी, अब्दुल्ला की गाड़ी भी सज गई है, बताओ सबैना बताए। अभी हम घर से निकले नहीं थे कि फिलजू ने रो रो के बुरा हाल किया हुआ था। ये है मेरी मम्मी, ये थी मेरी मम्मा फुल ड्रेस में दुपट्टा सेटिंग के साथ। और इसके बाद जब हम गाड़ी में बैठे तो फिलजू का मूड हो गया था बहुत ज़्यादा अच्छा, और हॉल में जो है ना इसने हमें तपा दिया था। और यहाँ पे अब फूफा आ गए तो ये गुस्सा कर रही थी कि ये क्यों आ गए, और वो जैसे ही हटते हैं तो सेट हो जाती है। खैर अब हम लोग जा रहे हैं ब्राइडल को लेने के लिए। ज़्यादा वॉइस ओवर मैंने ही कर दी और सबैना आएगी तो सबैना नाराज़ हो जाएगी, मामा आपने क्यों किया। तो ये हमारे दूल्हा साहब आ चुके हैं और खुश बाश हंसी खुशी और जा रहे हैं अपनी दुल्हन लेने। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं होटल, और अब यहाँ पे मैंने फिर थोड़ा सा वीडियो बना के रोक दी थी। सबैना जो थी वो सिद्धू के साथ थी, मैं सबैना के लिए दूल्हे की गाड़ी में बैठी थी कि सबैना इधर बैठ जाएगी, तो उसने कहा नहीं जी मैंने तो सिद्धू के साथ ही बैठना। तो सबैना थी दूसरी गाड़ी में और हम सब का वेट कर रहे थे कि सारे उतरें और फिर हम लोग एंड में उतरे। तो खैर अच्छा रहा हमारा फंक्शन, और अब टाइम से हम लोग शुक्र है कि पहुँच गए थे। और अब हम लोग जो है जा रहे हैं हॉल में। दिन की बारात होना तो बड़ा मुश्किल होता है, ख़ुद तैयार होना, बच्चों को तैयार करना, लेकिन फिर भी बंदा टाइम पे पहुँच जाए बड़ी बात होती है। अब हम यहाँ पे दुल्हन वालों से मिल रहे हैं, उन्होंने किया हमारा इस्तकबाल। मेरा दुपट्टा खुल गया था और फिर मैंने आप ही को कहा चलें अब आप इसको दोबारा से सेट करें। और इसके बाद जो आप ही की भी जो मैचिंग थी वो हमारे साथ ही थी कलर की, और सिद्धू का डिफरेंट था हमसे, बस सिद्धू का हल्का रेड काम हुआ हुआ था, बाकी हम सारे ही इधर सेम थे मेहरून रेड में। और इसके साथ साथ हम लोगों ने फिर शादी की, खूब इंजॉय। अभी आ गई मेरी मोटी सिद्धू और इसकी बेटी ने ना इसके बाल खींच खींचे इसका किया हुआ था बुरा हाल, लेकिन ना ये वाली जो इसकी रेड रिंग इसने पहनी है ना ये मैंने बनाई थी। तो अब हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो, ये आपकी फ्रेंड है, ये क्या छोटी सी फ्रेंड है, ये बड़ी फ्रेंड है और ये छोटी फ्रेंड है ना।
हम दोनों एक्सरसाइज करते हैं। यस एक्सरसाइज। चलो गो। अब आ गई है हमारी ब्राइड और अब हो रहा है निकाह। शुक्र है अल्लाह का। और ये है उसकी प्यारी प्यारी मेहंदी। जब उन्होंने सिग्नेचर कर लिए फिर हमने उनकी बनाई ढेर सारी पिक्चर्स और ढेर सारी वीडियोस। मेहंदी बहुत प्यारी लगी थी ड्रेस बने हुए। दे दो हमें हार वापस। खबरदार जो दूल्हा बने आइंदा। फिल्जू रो रो के रो रो के रो रो के आ गई थी मेरे पास और अभी भी फिल्जू रो ही रही थी। मैं कभी से नीचे गिरा रही थी, कभी झूले दे रही थी। फिर ये इतना रोएगी खाने के टाइम के फिर इसे ले जाएंगे इसके मामू। जाओ जाओ बाय बाय। अनाया जा 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 जा। अनाया क्या? चलो मैं वीडियो बनाऊंगी। अब आ चुका था खाना और हमने फिर खाया खाना मज़े से। और हेलो भाईना, क्या हुआ है, मूड क्यों ख़राब हो रहा है आपका? हैं पसंद आए हैं चावल आपको? और खाने हैं? मामा और भी डाल के देंगी। सारी बोटी खाओगी, फिनिश करने आपने। ओके ओके। क्यों कुछ भी करो, ये मैंने चाय भी पी थी, बहुत मजे की थी पिंक की। हाँ जी मैंने भी थोड़ी सी पी थी। आपने भी पी थी, गुड। और यहाँ पर आ गया हमारा एक और दूल्हा। ये हमारा एक और दूल्हा तैयार है। ये है एक और दूल्हा हमारे दूल्हे। अब आ चुका है हमारा असली वाला दूल्हा। और इधर इन्होंने 50,000 कहा था तो अब्दुल ने 50 और उसके साथ 1,000 दिया था। ये ने 50,000, फिर उसके बाद उसने 200,000 दिया था, 200 और साथ में 1,000। बहुत से आना है ये भी। खैर सीट की रस्म होगी अच्छी सी। और अब ये अब्दुल ने किया कि ये आपकी किस्मत, अब इसमें कितने। और फिर उसके बाद अब रुखसती का टाइम आ रहा है। कर रहे हैं रुखसती। दूल्हे की गाड़ी को हमने पहले निकाला और हमने कहा आप जाओ, लेकिन पहले हमने उनको भेजा और फिर सोचा कि यार पहले हम में से किसी को जाना चाहिए था। लेकिन खैर आगे दरवाज़ा खुल गया था और हम लोग अब जा रहे हैं अपने घर वापस। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर। वेलकम वेलकम। जल्दी डालो भाई ना, ध्यान से गिरे ना, बहुत बड़ा पाँव में आ रहा है बेचारी के। चले चले। तो सबाइना की मामी आ चुकी हैं। तो फिर शादी भी होगी। ये है रोज। और ये अब्बू जी को, दुल्हन ने अब्बू जी को सलाम किया अस्सलाम वालेकुम। तो अब्बू जी ने इस खुशी में उसको दिए पैसे। हाँ जी। और मामा ना अब हम जा रहे हैं ब्राइडल के रूम में। तो ये है इतने सॉरी सॉरी रोज। और ये आयशा मामी बैठी हुई है अपने रूम में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। फिया मानिला बाय।